हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू सेट ट्रांजैक्शन एंड अमाउंट लिमिट फॉर पेटीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग को पेटीएम ऐप ओपन करना है और यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड एंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा पेटीएम का इंटरफेस। तो अगर आप लोग सेट करना चाहते हो पेटीएम लिमिट, देन आप लोग को कुछ स्टेप फॉलो करना है और मैं इस वीडियो में फुल स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग इजीली सेट कर सकते हो पेटीएम लिमिट। तो वीडियो पूरा फुल देखेगा और आप लोग इजीली जान पाओगे कैसे आप लोग को पेटीएम लिमिट सेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो थ्री डॉट होंगे, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा नाम है, यूपीआई आईडी है ऊपर में, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, ऑर्डर एंड बुकिंग्स, कैशबैक एंड ऑफर, सेटिंग्स, योर अकाउंट 24x7, हेल्थ सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकाउंट सेटिंग, पेमेंट सेटिंग, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग, सेव्ड एड्रेस, नोटिफिकेशन सेटिंग, लॉगआउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पेमेंट सेटिंग ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेव्ड कार्ड एंड बैंक अकाउंट, ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, पेमेंट रिमाइंडर, पेमेंट लिमिट, पेमेंट एक्सेस, थर्ड पार्टी एप्स इंक्लूड पेटीएम। तो यहाँ पे आप लोग को पेमेंट लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट लिमिट में बहुत सारे ऑप्शन है, मर्चेंट, पेटीएम यूजर, सेंड मनी टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देख सकते हो ऐड लिमिट करके ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ऐड लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है मर्चेंट ऑप्शन के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेली लिमिट और मंथली लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मान लो 10, फिर अमाउंट टू बी स्पेंट यहाँ पे आप लोग कुछ भी अमाउंट दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मान लो 50,000। ठीक है, और मंथली लिमिट जो है 50, अमाउंट टू बी स्पेंट यहाँ पे मान लो 1,00,000, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग को OTP एंटर करना है और फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो योर ट्रांजेक्शन लिमिट हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, फिर उसी तरह पेटीएम यूजर्स के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को राइट साइड के ऊपर ऐड लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और पेटीएम यूजर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पे मान लो 10, अमाउंट टू बी स्पेंट दे रहा हूँ 10,000, और मंथली लिमिट यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो 50, अमाउंट टू बी स्पेंट 50,000, और फिर सेव, और यहाँ पे भी OTP आप लोग को एंटर करना है और फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन लिमिट सेट हो चुका है और मैसेज भी आ चुका है। और एक है सेंड मनी टू बैंक, तो यहाँ पे भी ऐड लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट 10, अमाउंट टू बी स्पेंट 50,000, और फिर मंथली लिमिट जो है 50, अमाउंट टू बी स्पेंट 75,000, और फिर सेव, और यहाँ पे भी OTP एंटर करना है आप लोग को। यहाँ पे भी मेरा ट्रांजेक्शन लिमिट सेट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा तीनों पेमेंट लिमिट सेट हो चुका है। और आप लोग को पेमेंट लिमिट सेट करना चाहिए क्योंकि आजकल थेफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग लिमिट सेट कीजिएगा सो दैट आप लोग जो ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर कोई भी थेफ्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग इजिली सेट कर सकते हो पेमेंट लिमिट को। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विनय टेक। थैंक यू।